गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस या वी स्टार्टेड अ न्यू सब टॉपिक ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, दैट इज द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इन विच द फर्स्ट डिसीज वी डिस्कस, दैट इज द पोलियोमायलिटिक्स. देन वी डिस्कस द नेक्स्ट डिसीज, दैट इज द हिपेटाइटिस. सो व्हाट इज मीन बाय हिपेटाइटिस? Hepatitis is a medical condition defined by the inflammation of liver and characterized by the presence of inflammatory cell in the tissue of organ. Hepatitis क्या है? ऐसी medical condition है, इसमें क्या होता है? Inflammation of liver. Liver में inflammation आता है, swelling आता है. Then which is a characterized by the presence of inflammatory cells in the tissue of organ, which is characterized by विच इज यानी कि वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल इन अ टिश्यू ऑफ ऑर्गन. देन ये होगा हमारा हिपेटाइटिस. देन इट हैज़ अ टू फेजेस, एक्यूट एंड क्रोनिक. इट हैज़ अ हिपेटाइटिस के टू फेजेस होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट इज लेस देन 6 मंथ एंड क्रोनिक इज मोर देन 6 मंथ. हिपेटाइटिस के टू फेजेस है, दैट इज द एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट इज लेस देन 6 मंथ एंड क्रोनिक इज मोर देन 6 मंथ. और जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक हिपेटाइटिस होता है, वो मोर देन 6 मंथ के लिए रहता है. और जो एक्यूट हिपेटाइटिस होता है, वो लेस देन 6 मंथ के लिए रहता है. ये हो गया हमारा हिपेटाइटिस. The term viral hepatitis refers to primary infection of liver by hepatitis virus type A or type B or both hepatitis viruses as it not characterized and refer to a non-A and non-B hepatitis viruses. Hepatitis virus क्या है या फिर क्या है viral hepatitis? Referred as a primary infection. Viral hepatitis इसमें क्या होता है? Referred to as a primary infection होता है of liver में by the hepatitis virus से. Liver में infection होता है by the hepatitis virus से. That is the hepatitis virus type A and hepatitis virus type B or by other hepatitis viruses. Then hepatitis may occur incidentally during the course of infection with many other viruses as yellow fever, laser fever, herpes simplex, rubella or Coxsackie viruses etc. देखो ये hepatitis occur होते हैं इंसिडेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन विथ मेनी अदर वायरसेस. ये कब होता है हिपेटाइटिस? जब अदर वायरसेस का इन्फेक्शन होता है प्रोबेबली, तब ये वायरस होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर येलो फीवर आया तो भी हिपेटाइटिस हो सकता है, या फिर इंसिडेंटली हो सकता है. देन लेज़र फीवर में भी हो सकता है, हर्पिस सिंप्लेक्स में. हर्पिस सिंप्लेक्स यानी क्या? चिकन पॉक्स जैसा ही होता है, और विच इज़ कॉज बाय हर्पेक्स वायरस. देन रूबेला और कॉक्सैसी वायरस एट्सेट्रा. बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ वायरल हिपेटाइटिस. देन by epidemiologically and clinical criteria, two types of viral hepatitis are recognized. One type occur either sporadically or epidemics affecting many children and young adults and apparently transmitted by the fecal oral route. This is called as infective or infectious hepatitis. देखो epidemiological एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया के बेसिस पर वायरल हिपेटाइटिस 6 टाइप के होते हैं. बुक में सिर्फ 2 टाइप्स के दिए हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, बट वायरल हिपेटाइटिस में 6 टाइप के होते हैं. दैट इज़ द हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई एंड लास्ट हिपेटाइटिस जी. बट वी डिस्कस ओनली 2 वायरसेस, दैट इज़ द हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस बी. सो द दिस इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्टिव और इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस. इट इज़ नाउ नोन एज अ टाइप ए हिपेटाइटिस.
इसको ही बोलते हैं हम टाइप ए हिपेटाइटिस। इस टाइप ए हिपेटाइटिस यानी क्या, वन टाइप ऑकर आइदर स्पोरैडिकली और एपिडेमिक्स अफेक्टिंग मेनी चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड अपेरेंटली ट्रांसमिटेड बाय द फिकल ओरल रूट। ये ऑकर होते हैं चिल्ड्रंस में या फिर यंग एडल्ट में एंड विच इज़ अ ट्रांसमिटेड बाय फिकल ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होते हैं, इसको ही बोलते हैं हम इन्फेक्टिव और इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। इट इज़ नाउ नोन एज अ टाइप ए हिपेटाइटिस, इसको ही बोलते हैं हम टाइप ए हिपेटाइटिस। देन सेकेंड टाइप ऑफ वायरल हिपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय इनोक्यूलेशन एंड वॉज ओरिजिनली ऑब्जर्व इन अ पर्सन रिसीविंग सीरम इनोक्यूलेशन और अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो टाइप ए हिपेटाइटिस ये होता है, ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द फिकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, बट जो हिपेटाइटिस टाइप बी है वो ट्रांसमिट होता है बाय द इनोक्यूलेशन और अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर ब्लड कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट होता है। देन दिस हैड बीन नोन बाय सेवरल नेम्स सच एज अ हिमोलोगस सीरम जॉन्डिस्ट और अ सीरम हिपेटाइटिस। इट इज़ अ करंटली कॉल्ड एज अ टाइप बी हिपेटाइटिस। देखो इसमें हिपेटाइटिस में हमें टू टाइप्स डिस्कस करना है, हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस बी। तो हिपेटाइटिस ए ये क्या होता है, चिल्ड्रंस में पाया जाता है और अडल्ट में या फिर यंग अडल्ट में अपियर होते हैं एंड विच इज़ अ ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट, इसको ही बोलते हैं हम टाइप ए हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस ए। देन हिपेटाइटिस बी जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसको ही बोलते हैं हम हिपेटाइटिस टाइप बी। देन वी डिस्कस द हिपेटाइटिस ए, दैट इज़ द इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। टाइप ए हिपेटाइटिस को ही क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस, विच इज़ अ कॉज बाय हिपेटाइटिस टाइप ए वायरस, विच इज़ अ कॉज बाय हिपेटाइटिस टाइप ए वायरस। हिपेटाइटिस टाइप ए इज़ अ सब एक्यूट डिसीज ऑफ अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑकरिंग मेनली इन अ चिल्ड्रन एंड यंगस्टर। ये हिपेटाइटिस टाइप ए वायरस है, ये क्या है, सब एक्यूट डिसीज है ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑकरली मेनली, ये किस में ऑकर होता है, मेनली चिल्ड्रंस में एंड यंग स्ट्रेंस में। देन द वायरस एंटर इन द बॉडी बाय इंजेक्शन एंड मल्टीप्लाइज इन अ इंटेस्टिनल एपिथेलियम। ये जो वायरस है वो एंटर होता है बॉडी में बाय द इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लिया ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से, वो अगर वो इंजेक्शन में चला जाए, इनहेलेशन में चला जाए तो वायरस ये एंटर हो गया हमारी बॉडी में। देन उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता है इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियम में बिफोर इट रीचेज द लीवर बाय हिमाटोजेनस स्प्रे। देन उसके बाद क्या होता है, इंटेस्टिनल एपिथेलियम में मल्टीप्लाई होता है बिफोर इट रीचेज द लीवर बाय हिमाटोजेनियस स्प्रेड। इट इज़ अ स्प्रेड इन अ फीसेस ड्यूरिंग द लेट इंक्यूबेशन पीरियड एंड द प्रोडमल फेज ऑफ इलनेस। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद वो लीवर में जाने से पहले वो क्या करता है, वो स्प्रेड होता है फीसेस में ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन पीरियड रहता है तो वो स्प्रेड हो सकता है बाय द फीसेस से या फिर पीरियड देन द प्रोडमल फेज ऑफ द इलनेस। ये हो गया हमारा हिपेटाइटिस ए। देन जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है हिपेटाइटिस ए का वो रहता है 2 to 6 weeks का। देन द क्लिनिकल डिसीज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, द प्रोडमल और प्री एक्टेरिक स्टेज एंड द एक्टेरिक स्टेज। द ऑनसेट मे बी एक्यूट विद फीवर मैलेस एनोरेक्सिया नाउजिया वोमिटिंग एंड लीवर टेंडरनेस। देखो इसमें क्या होता है, टू फेजेस रहते हैं, फर्स्ट इज प्रोडमल, प्रोडमल फेज यानी क्या होता है, पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स, यानी कि प्रोडमल फेज में क्या होता है, सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। देन उसको ही बोलते हैं हम प्री एक्ट्रिक फेज। देन ये जो प्री एक्ट्रिक फेज है या फिर प्रोडमल फेज है इसमें ऑनसेट कुछ सिम्टम्स ऑफर होते हैं, दैट इज द फीवर, मेलेज आने
वीकनेस या फिर डिस्कम्फर्टनेस, देन एनोरेक्सिया, नौजिया, वोमिटिंग एंड लीवर टेंडरनेस, ये हो गए हमारे माइनर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं प्रोडमल फेज में। देन उसके बाद दिस यूजुअली सबसाइड विद द ऑनसेट ऑफ जॉइंटिस, रिकवरी इज अ स्लो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 weeks। इसमें क्या होता है, यूजुअली सबसाइड विथ अ ऑनसेट ऑफ जॉइंटिस, इसमें जॉइंटिस भी हो सकता है और जो रिकवरी पीरियड जो होता है वो स्लो होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 weeks में उसका रिकवरी होता है। देन नाउ वी डिस्कस द मोड एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। फिकल वायरस कंस्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये जो फिकल वायरस है वो कंस्टिट्यूट करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। द वायरस इज मेंटेन इन अ नेचर बाय सीरियल फिकल ओरल ट्रांसफर, मोस्ट कॉमनली बाय पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। देखो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, वायरस इज मेंटेन इन अ नेचर बाय द सीरियल फिकल ओरल ट्रांसफर और मोस्ट कॉमनली बाय पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट भी आया तो भी ये वायरस स्प्रेड होता है। देन इन्फेक्शन ऑकर रेडिली अंडर कंडीशन ऑफ पुअर सैनिटेशन एंड ओवर क्राउडिंग, ये जो इन्फेक्शन ऑकर होता है वो ऑकर होता है इन अंडर कंडीशन ऑफ पुअर सैनिटेशन। अगर सैनिटेशन हम अच्छे से किए नहीं, हाथ नहीं धोएंगे अच्छे से, हमारे क्लॉथ नहीं होंगे या फिर क्राउडेड एरिया में हम रह रहे हैं तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन ज़्यादातर फैल सकता है। देन द वायरस कैन बी डिस्ट्रॉय बाय एडिक्वेट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, ये वायरस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम बाय द एडिक्वेट क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, वाटर का क्लोरीनेशन किए तो ये वायरस ये हम किल कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर यानी क्या, देखो हमारे भेल में वगैरह हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते तो वो क्या करते हैं हम, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। ये हो गया हमारा मोड एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। देन उसका देखेंगे हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस, etiological diagnosis of type A hepatitis is now possible by demonstration of the virus or its antibody, by the demonstration of virus or its antibody, but the tests are available only in a few specialized laboratory। but ये जो test है वो देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अभी क्या हो रहा है, टाइप ए हेपेटाइटिस पॉसिबल हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, वायरस का डेमोन्स्ट्रेशन करने में। देन इट्स एंटीबॉडी बट द टेस्ट आर अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू स्पेशलाइज लेबोरेटरी, बट ये जो एंटीबॉडी के टेस्ट है वो अवेलेबल होती है इन अ फ्यू स्पेशलाइज लेबोरेटरी में, पूरे लेबोरेटरी में ये स्पेशलाइज यानी कि पूरी तरह से हम कर नहीं सकते, ये स्पेशलाइज लेबोरेटरी में ही ये हम एंटीबॉडी या इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस का हम स्टडी कर सकते। देन द टेक्निक्स एम्प्लॉय आर इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इम्यून एड्रंस, हिमाग्लुटिनेशन, रेडियो इम्यून एसे एंड एंजाइम इम्यून एसे। ये जो टेक्निक्स है फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस कौन सी टेक्निक्स है, फर्स्ट इज अ इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन, देन इम्यून एड्रंस, हिमोग्लुटिनेशन, इम्यून एड्रंस, हिमोग्लुटिनेशन, देन रेडियो इम्यून एसे एंड एंजाइम इम्यून एसे। ये होगा हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देन वी डिस्कस द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस ए। जनरल प्रोफाइल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ इम्प्रूव सैनिटरी प्रैक्टिसेस, जनरल प्रोफाइल एक्सिस क्या है हेपेटाइटिस ए का, इम्प्रूव करना है सैनिटरी प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट ऑफ फिकल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, एंड प्रिवेंशन करना है फिकल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर का। देन उसके बाद वी डिस्कस द हेपेटाइटिस बी। तो क्या क्या देखा हमने हेपेटाइटिस ए में, पहले तो क्या देखा हेपेटाइटिस की डेफिनेशन देखी, देन उसके टाइप्स देखे, हेपेटाइटिस कॉजेटिव फैक्टर क्या है उसका, हेपेटाइटिस वायरस के क्लासिफिकेशन है,
वायरल हिपेटाइटिस यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिपेटाइटिस दैट इज़ द वायरल हिपेटाइटिस। वायरल हिपेटाइटिस का सब क्लासिफिकेशन है हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई एंड हिपेटाइटिस जी। बट इन विच वी डिस्कस द टू टाइप्स दैट इज़ द हिपेटाइटिस ए एंड हिपेटाइटिस बी। तो हिपेटाइटिस ए को ही बोलते हैं इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। देन उसका इंक्यूबेशन पीरियड दिखा, देन मोड एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखा, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, देन प्रोफाइलेक्सिस। नाउ वी डिस्कस द हिपेटाइटिस बी दैट इज द सीरम हिपेटाइटिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सीरम हिपेटाइटिस। टाइप बी हिपेटाइटिस वॉज ओरिजिनली कंसिडर्ड टू बी एन अनयूजुअल डिसीज ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली बाय पैरेंटल रूट एंड बाय एट्रोजेनिक प्रोसीजर सच एज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन ऑफ सीरम और अदर ब्लड प्रोडक्ट्स। ये जो हिपेटाइटिस बी है वो ओरिजिनली कंसिडर्ड होता है टू द अनयूजुअल डिसीज ट्रांसमिटेड एक्सक्लूसिवली बाय पैरेंटल रूट। हिपेटाइटिस ए ये ट्रांसमिट होता था फिकल ओरल रूट से, बट हिपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है पैरेंटल रूट से बाय द एट्रोजेनिक प्रोसीजर सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉन्टेक्शन यानी कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हो सकता है हिपेटाइटिस बी, देन इंजेक्शन ऑफ सीरम और अदर ब्लड प्रोडक्ट। देन इट इज अ नाउ नोन टू बी ट्रांसमिटेड आल्सो बाय मेनी न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट ट्रांसफर माइनूट क्वांटिटीज ऑफ ब्लड और टिश्यू फ्लूइड बिटवीन अ पर्सन। ये तो होगा पैरेंटल रूट से ये कॉन्टेमिनेटेड होता है, बट ट्रांसफर माइनूट क्वांटिटीज ऑफ ब्लड, अगर किसी का हम रेजर यूज़ कर रहे हैं, किसी का हम टॉवल यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी का टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ये फैल सकता है। देन द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग 2 to 6 months। हिपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना था 2 to 6 weeks, बट हिपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है 2 to 6 months। ठीक है, देन द क्लिनिकल डिसीज इज सिमिलर टू टाइप ए हिपेटाइटिस बट इज यूजुअली मोर सीवियर एंड प्रोट्रैक्टेड। ये जो क्लिनिकल द क्लिनिकल डिसीज इज सिमिलर टू हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी ये सिमिलर है हिपेटाइटिस बी से, बट द यूजुअल मोर सीवियर एंड प्रोट्रैक्टेड। बट हिपेटाइटिस ए से हिपेटाइटिस बी ये मोर सीवियर है। द ऑनसेट इज इंसिडियस एंड फीवर इज नॉट प्रोमिनेंट, एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन आर कॉमन। दिस कंसिस्ट मेनली ऑफ रैश, आर्थ्रालजिया, पॉलीआर्थ्राइटिस, नोडोसा एंड ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस एंड आर बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इन वीवो। सम पेशेंट प्रोग्रेस टू क्रोनिक एक्टिव हिपेटाइटिस एंड सिरोसिस, प्राइमरी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हैज़ बीन शोन टू बी अ लेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। द वायरल डीएनए इज फाउंड इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ मैलिग्नेंट हिपेटोसाइट्स। देखो हिपेटाइटिस बी में क्या होता था, फीवर आता था, नौजिया होती थी, वोमिटिंग होता था, मैलियस होता था, एनोरेक्सिया होता था, बट हिपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं होता। दिस कंसिस्ट मेनली ऑफ रैश, आर्थ्रालजिया, पॉलीआर्थ्राइटिस, नोडोसा एंड ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस एंड आर बिलीव टू रिजल्ट इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इन वीवो। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द डिसीज has no seasonal distribution, the incidence is more in an adult than in children। ये जो disease है वो seasonal distribution का नहीं है कि ये summer में ही आएगा, ये winter में ही आएगा या फिर rainy season में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। the incidence is more in adult than the children। ये जो hepatitis A है ये children में occur होता था या फिर youngster में occur होता था, but जो hepatitis B है
वो एडल्ट में पाया जाता है दैट इन अर्बन एंड दैन द रूरल एरियाज. अर्बन एरिया में ज़्यादातर अडल्ट में पाया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस. देन द वायरस इज मेंटेन इन अ नेचर बाय क्रोनिक विरामिक कैरियर्स. अबाउट 5-10% ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन बिकॉज कैरियर्स पर्सन पजेसिंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इन अ ब्लड फॉर अ मोर देन 6 मंथ. अगर एखादी पर्सन को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वो जो एंटीजन रहता है ब्लड में का वो मोर देन 6 मंथ के लिए रहता है. आर नोन आर एज अ क्रोनिक और परसिस्टेंट कैरियर. इसको ही हम क्रोनिक या फिर परसिस्टेंट कैरियर बोलते हैं. देन सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस आर मोर लाइकली टू लीड टू क्रोनिक कैरियज दैन एक्यूट हेपेटाइटिस. देन ट्रांसमिशन इज मेनली बाय परक्यूटानियस रूट. ये जो ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी का ये परक्यूटानियस रूट से होता है. बिसाइड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नंबर ऑफ थेरापेटिक प्रोफाइलैक्टिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कैन कन्वे द इन्फेक्शन. द वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस एंड वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सम कैरियर सेरा कैन ट्रांसमिटेड द डिसीज. देयरफॉर एनी प्रोसीजर दैट कैन कन्वे ट्रेसेस ऑफ ब्लड और रिज्यूम फ्रॉम वन टू अनादर कैन सर्व टू स्प्रेड द इन्फेक्शन. देखो इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है, परक्यूटानियस रूट से ट्रांसमिशन होता है. अगर एखादे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया या फिर सीरम का इंटरचेंज हुआ तो भी ये स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन. देन उसके बाद टैटूइंग, एक्यूपंचरिंग, शेयरिंग ऑफ रेजर, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इवन अ किसिंग कैन ट्रांसमिट द वायरस. अगर टैटू किया हमने तो भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. या फिर एक्यूपंचरिंग, शेयरिंग ऑफ रेजर या फिर टूथब्रश, ये भी शेयर करने से ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है. या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स इवन आफ्टर द किसिंग कैन ट्रांसमिट द वायरस. देन हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ डीएनए वायरस कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, डीएनए वायरस है. हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, डीएनए वायरस है एंड कंटेनर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड विच इज़ कंटेनर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. एंड जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में रहता है देन द इनर कोर ऑफ वीरियन इज एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आउटर एनवेलप. देन वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. A variety of serological techniques are available for a detection of hepatitis B. Antigen and antibody, which serves to diagnose acute and chronic infection with the virus and its carrier state. Laboratory diagnosis में क्या बताया है, A variety of serological techniques are available for the detection of hepatitis B antigen and antibody. Various techniques इसमें available रहती है detection of hepatitis B antigen and antibody की. then which is diagnose acute and chronic infection with a virus and its carrier state in which the antigen and antibody detection techniques होती है. इसमें वो डायग्नोज भी करते हैं एक्यूट स्टेज है या फिर क्रोनिक स्टेज है या फिर इन्फेक्शियस या फिर वायरस एंड इट्स कैरियर स्टेट का भी वो डायग्नोज करते हैं. देन प्रोफाइलैक्सिस, लास्ट इज अ प्रोफाइलैक्सिस. जनरल मेजर इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड स्ट्रिक्ट अटेंशन टू स्टरिलिटी. देखो प्रोफाइलैक्सिस क्या है या फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, जनरल मेजर से इनके विच इंक्लूड द हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए पीपल्स को. देन इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए हमें. देन उसके बाद स्ट्रिक्ट अटेंशन टू स्टरिलिटी पे अटेंशन देना चाहिए. देन एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मेजर इज स्क्रीनिंग फॉर HBsAg एंड HBeAg. HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, एक टेस्ट होती है हेपेटाइटिस वायरस की इन अ ब्लड डोनर. देन दिस हैज़ बिकम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन अ वेल रन ब्लड बैंक.
ये क्या है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे एक पर्सन को या एक पर्सन से अदर पर्सन को, तो ये जो हिपेटाइटिस की टेस्ट है, दैट इज़ द हिपेटाइटिस HBsAg एंड HBeAg, ये टेस्ट करनी चाहिए बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन उसके बाद पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, देन स्टरिलिटी मेंटेन रखना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए पीपल्स को। ये सब मेंटेन करने के बाद हिपेटाइटिस बी वायरस से प्रोफाइलेक्सिस हो सकता है। ये हो गया हमारा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस में क्या क्या देखा हमने, हिपेटाइटिस टाइप ए वायरस, देन हिपेटाइटिस टाइप बी वायरस, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, देन प्रोफाइलेक्सिस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द कॉलरा। थैंक यू।